तो ये वीडियो थोड़ी पर्सनल है, मतलब ये एक मेरा पर्सनल व्लॉग है। इसमें कुछ आपको सिखाने वाला नहीं हूँ मैं। तो मेरे इस चैनल पर सागर की वाणी पर वो लोग हैं जो मुझसे कुछ ज़्यादा कनेक्टेड हैं। वैसे सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मैं कुछ ऐसा बड़ा यूट्यूबर और सेलिब्रिटी जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करता। इस बारे में कई लोग शिकायत भी करते हैं, सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखिए। बहुत सिंपल सा रहता हूँ मैं और आप लोगों से एकदम दोस्त जैसे बात करता हूँ। तो अब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो टेक्निकल वाले तो अलग हैं, सागर की वाणी वाले शायद अलग हैं। वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो थोड़ी सी अनबन थी मेरे दिमाग में कि ये वीडियो डालूँ ना डालूँ, लेकिन फिर भी आपको अपडेट होना चाहिए कि अब टेक्निकल सागर का क्या होने वाला, आगे क्या होगा, मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे घर में क्या चल रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर रहता हूँ, उड़ीसा के एक छोटे से टाउन में रहता हूँ। बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी, आंध्र प्रदेश के पास है। दामनजोड़ी नाम है इस जगह का और देख सकते हो बहुत सुंदर है ये जगह। आज से 4 साल पहले मैं यहाँ पर आया था। मेरे जो पिताजी हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, तो ऐसे ही हर 3-4 साल में उनका ट्रांसफ़र होता है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो ऐसे रिमोट एरियाज़ में मैं आता जाता रहता हूँ। तो अब 4 साल पहले मैं यहाँ आया था और उस बहुत सुंदर मौसम होता है यहाँ का, मतलब यहाँ कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती नहीं है। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर बहुत ठंड थी और ऐसा बोलते थे यहाँ के लोग कि यहाँ 6-6 महीने बारिश हुआ करती थी, मतलब मौसम खुलता नहीं था, 2-2, 3-3 हफ्ते हो जाया करते थे, मौसम खुलता नहीं था यहाँ। लेकिन बीच में 1-2 साल में काफ़ी मौसम खुला, धूप भी ज़्यादा हुई हमारे आने के बाद कह लो या कैसे भी कह लो, लेकिन फिर से अभी मौसम यहाँ वही हो गया है। यहाँ पर जो देखो आप, कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ, बिल्कुल दूर दूर तक पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो ये और देखो मेरे छत पे कितना कचरा पड़ा है, उसको खैर छोड़ो, वो आज शिफ्ट हो रहा है घर पर इसलिए पड़ा हुआ कचरा उचरा। तो अब ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जगह को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश जाने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश, मथुरा, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, NCR के जितने भी एरिया हैं वहीं मैं रहने वाला हूँ। और वहाँ की गर्मी कैसी होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत है। बहुत ख़तरनाक गर्मी होती है यहाँ, गर्मी पड़ती नहीं है तो हमें आदत हो गई है ठंड में रहने की। यहाँ तो कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती गर्मियों में, और वहाँ तो भैया AC के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो अब यही है कि अब मेरे साथ क्या चैलेंज आ रहा है, मेरे पास क्या चैलेंज है, मेरे मतलब लाइफ में देखो चैलेंजेस आते रहते हैं। अब क्या चैलेंज है, चैलेंज ये है कि मैं गाँव जाऊँ और मेरा गाँव बुलंदशहर में एक छोटा सा मचकौली नाम का छोटा सा एक गाँव है। लाइट नहीं आती वहाँ, कोई सेटअप कुछ नहीं है, इवन लैपटॉप तक नहीं मेरे पास अभी। मेरे को लैपटॉप लेना है, वैसे वहाँ दिल्ली जाके लूँगा। वीडियोस कैसे बनाऊँगा, स्टूडियो क्या होगा, लाइट क्या होंगी तो खाट पे बैठ के वीडियो बनेगी या तो खेतों में खड़े होके बैठ के, जैसे भी है गन्ने खेत में जिसमें भी। तो अब ये चैलेंज आने वाला है कि लाइट नहीं आती वहाँ, अब वीडियो का कैसे साधन होगा, क्या होगा। ये एक्साइटमेंट भी है और एक अजीब भी लग रहा है कि कैसे बनाऊँगा वीडियोस, वहाँ तो लाइट भी प्रॉपर नहीं है, लैपटॉप है नहीं। खैर लैपटॉप ले लूँगा, चार्ज तो कर लूँगा, लाइट नहीं आती प्रॉपर अपलोड करना वीडियो को। और ठीक है, वैसे मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा तो व्लॉग तो करूँगा ही, कैसे कैसे कहाँ कैसे जा रहा है। अभी हमारा सामान जाएगा, मथुरा में शिफ्ट होंगे अभी हम, सामान वगैरह जाएगा, हम भी ट्रैवल करेंगे तो काफ़ी ट्रैवल करना है अभी मुझे, अब भागा दौड़ी रहेगी। देखो ये जगह बहुत सुंदर है लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाया। देखो कितनी सुंदर पहाड़ी, कितनी बहुत फर्स्ट क्लास पहाड़ियाँ हैं, मतलब जन्नत, कश्मीर बोला जाता है इसको उड़ीसा का। तो इस जगह को मैं ठंड के लिए मिस करूंगा और ये जगह ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ये 4 साल मैंने कैसे बिताए मैं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें नहीं हैं, कोई शोरूम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ जीने के लिए जो राशन वगैरह है, छोटे मोटे सामान ये सब मिलते हैं। मैंने मार्केट की भी वीडियोस बनाई हैं, कैसे ट्राइबल मार्केट्स वगैरह होती हैं, बहुत छोटी छोटी गुमटी वगैरह हैं, कुछ खोखे वोखे हैं, उन्हीं में चीज़ें मिलती हैं। तो वातावरण यहाँ का, मतलब ये जो देखो ना, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। आसपास भी खैर यहाँ पर प्लांट है लेकिन फिर भी पॉल्यूशन कम है यहाँ पर, पेड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ियों के बीच में हैं हम। तो जो चकाचौंध की आदत अब नहीं रही है। मैं एक पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको कि जब मैं कुछ 4-5 मंजिल की बिल्डिंग देख लेता हूँ तो मेरी आँखें ऐसे हो जाती हैं, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं मुझे। खैर बड़ी बड़ी सिटी कभी कभी जाना अलग बात है, मैं रहने वाला मेट्रो सिटीज़ का ही हूँ, दिल्ली के आसपास, लेकिन 4 साल मुझे यहाँ ऐसी बैकवर्ड जगह पर हो गए। बैकवर्ड तो नहीं कहेंगे, नेचर के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वो जो लुभावनी दुनिया होती है बड़े बड़े मॉल्स, मार्केट की, मैकडॉनल्ड्स वगैरह की, और मैं आपको बता दूं, मैं मैकडॉनल्ड्स और ऐसे किसी भी फूड चेन वाली किसी बड़े उसमें मैं नहीं गया हूँ, मतलब कभी मैकडॉनल्ड्स मैंने कभी ज़िंदगी में पिज़्ज़ा टेस्ट नहीं किया है, बर्गर कभी कुछ नहीं ट्राई किया, सिंपल बहुत रहा हूँ मैं। और ज़्यादातर ऐसी ही छोटी छोटी जगह पर रहा हूँ, यही वजह है कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी मॉल्स में और मार्केट्स में कभी ज़्यादा, मतलब होता है ना कि दोस्त हैंग आउट वगैरह करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, ये सब कभी मैंने नहीं किया। मेरा हमेशा शुरू से ही मेरा सीखने में, काम करने में रहा है, दोस्तों के साथ कम मैं घुमाऊँ। अब कई लोग मुझे फेसबुक पर स्टॉक करते हैं, मतलब मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ पर आपने देखा होगा, मेरी एक भी फ़ोटो मेरे किसी दोस्त के साथ नहीं है, क्योंकि मैं सही मायने में बताऊँ कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं। एक दो बेस्ट फ्रेंड हैं स्कूल के, वो हैं तो हैं, नहीं तो मैं दोस्त वैसे अपनी पर्सनल लाइफ में कभी बनाता नहीं हूँ, बनते नहीं हैं या बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी ही दुनिया में रहता हूँ।
तो ये पर्सनल मेरे एक वीडियो थी, मैं शेयर तो नहीं करने वाला था आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है। तो मैं मीटअप्स वगैरह भी करने वाला हूँ दिल्ली में, नोएडा, NCR, फरीदाबाद, आसपास के इलाकों में। वैसे ऐसे नॉर्मल मीटअप नहीं होगा, बहुत सारे लोग आएंगे। मैं मार्केट वगैरह जाऊँगा तो बता दूंगा मैं यहाँ पर हूँ। अगर आसपास आप रहते हो तो उसमें क्या होगा कि आसपास तो 3-4-5 लोग ही रहते होंगे, तो आके मिल लेंगे, उसमें अच्छे से बात भी हो जाएंगी। और मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हूँ, अब तो घूमना फिरना ही रहेगा। तो गाइज़ मैं यही आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। और एक बात और है, ये जगह डेवलप नहीं हुई है, नक्सलाइट्स जो नक्सली होते हैं कुछ, ये भी कारण है। प्लस ये बहुत रिमोट एरिया में, 100 किलोमीटर तो विशाखापट्टनम से यहाँ से आते वक्त 100 किलोमीटर तो ऐसे से घूमती हुई सड़कें हैं, कौन आना चाहेगा यहाँ पर? कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो नक्सली ले भी लेते हैं यहाँ पर। बहुत बुरा हाल है, मतलब नक्सलियों का ही राज चलता है यहाँ पर। है पैरामिलिट्री फोर्सेज है, काफ़ी कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो लोकल हैं, ट्राइबल्स वाले हैं, ये सब यही ऐसा ही हाल है। तो ये लोग काफ़ी मुश्किल में रहते हैं। जो ट्राइबल लोग होते हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ट्राइबल लोगों के साथ रहा हूँ, जो आदिवासी लोग होते हैं। आदिवासी लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं। आप देखो दिल्ली वगैरह कहीं भी अगर अपना हेलमेट बाइक के ऊपर छोड़ के चले जाओ, गायब हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़, चाहे कॉलेज में बाइक के ऊपर कोई भी चीज़ छोड़ के चले जाओ, मजाल है कि वह चोरी हो जाए, यहाँ चोरी नहीं होती। तो जो आदिवासी लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं और दिल के बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन इनका गलत फ़ायदा बाहरी लोग उठा जाते हैं। हशियाकरण के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने सोशल साइंस पढ़ी है तो वही कुछ केस है यहाँ पर। नक्सली, हर कोई नक्सली नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी अफेक्टेड है ये एरिया, यहाँ पर अटैक्स वगैरह भी हुए हैं नक्सली के। तो ये जगह बहुत मिस करने वाला हूँ यार, बहुत अच्छी जगह है। बस अब अपने इलाके में आ रहे हैं और वहाँ पर सब कुछ करते हैं। मैंने अपना एरिया छोड़ा था 2005 में, अपना एरिया छोड़ दिया था जब मैं बोकारो झारखंड आ गया था, मतलब यूपी हरियाणा ये सब छोड़ दिया था। तो अब कितने साल हो गए, 2005 से अब जा रहा हूँ मैं अपने इलाके में प्रॉपर रहने। बीच में ऐसे मिलने मिलने तो जाते रहते हैं, लेकिन अब जा रहा हूँ मैं वहाँ रहने। तो काफ़ी कुछ बदल चुका है, मज़ा आएगा। और कुछ चैलेंजेस भी हैं लाइफ में, वो भी फेस करने हैं। अब चैनल का देखते हैं क्या होता है, कैसी वीडियो बनाता है टेक्निकल सागर, खेतों में दौड़ते हुए खाट खड़ी करके ग्रीन स्क्रीन, मैंने तो आइडिया सोचा है। और आपके क्या आइडियाज़ हैं, गाँव में जाकर और क्या हो सकता है, मुझे ज़रूर दें, जानकर मेरे को भी शायद कोई नया आइडिया मिल जाए, मज़ा आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।